अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम की बहुत सारी खसूसियात में से एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस्लाम सिर्फ हराम चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाता बल्कि उसके मुतबादिल जो हलाल ज़राए हैं इस्लाम उनको आसान भी करता है। इस्लाम ने अगर सूद पर पाबंदी लगाई है तो इस्लाम ने सदक़ात और कर्ज के निज़ाम को आसान किया है। इस्लाम अगर माशरे को ज़िना से रोकता है तो दूसरी तरफ इस्लाम ने निकाह के निज़ाम को बहुत आसान किया है। आज के हमारे माशरे में ज़िना बहुत आम है और ज़िना के आम होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने माशरे में निकाह को बहुत 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 मुश्किल कर दिया है। और निकाह जिन चीज़ों से मुश्किल हुआ है उनमें एक बहुत कबी रस्म है, जहेज़ की रस्म। आज के इस एपिसोड में और अगले कुछ एपिसोड में हम इंशाअल्लाह ताला जहेज़ की रस्म के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ऐसे उलमाए किराम मौजूद हैं जो ना सिर्फ ये कि कुरान और सुन्नत के नुसूस पर गहराई से नज़र रखते हैं बल्कि समाजी मसाइल का बेहतरीन तज़िया करने की सलाहियत भी रखते हैं। मैं सबसे पहले एक मेज़बान की हैसियत से उनका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शेख असद आज़मी साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जहेज़ के माना क्या हैं ये देख लें कि जहेज़ कहते किसको हैं, इस लफ्ज़ की क्या हकीकत है। जहेज़, देखिए, जहेज़ का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है लेकिन इसकी असल अरबी है। अरबी ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहज़ युजहिज़ तजहीज़, और उसका माना होता है तैयार करना, कोई चीज़ तैयार करना, कोई सामान तैयार करना, और उसी से लफ्ज़ जहाज़ बना है, यानी अरबी का लफ्ज़ कुरान में है वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़हिम, कि जब उनको उनका सामान तैयार करके दे दिया जी। तो देखिए, यहाँ जहाज़ का लफ्ज़ सामान के माने में और जहज़ युजहिज़ो सामान तैयार करना, तजहीज़ और तकफीन भी जो हमारे यहाँ मैयत को बोलते हैं। जी, ये उसी कबील से है। और हदीसों के अंदर भी जैसे इस तरह के अल्फाज आए हैं जी, कि कुछ औरतों ने फलां औरत को उसके शौहर के पास भेजने के लिए तैयार किया, इसे दुल्हन को रुख्सती के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह के अल्फाज कई हदीसों में आए हैं जिसमें जहज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जी। तो अब उसी जहज़ से और उसी लफ्ज़ जहाज से उसमें कुछ तसर्रुफ करके, लफ्ज़ जहाज में तसर्रुफ करके उसको जहेज़ उर्दू में बनाया गया। उसी को दहेज भी हमारे यहाँ, हाँ, उसी को हिंदी तबके में उसको दहेज कह देते हैं। तिलक भी, शायद तिलक भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। तिलक तो अब वो पूरा खालिस हिंदी में चला जाता है। और भी बहुत सारे मुतबादिल अल्फाज अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों में, मफहूम सबका एक है और वो मफहूम यही है कि शादी के मौके पर औरतों को जो कुछ सामान वगैरह दिया जाता है निकाह के वक्त या निकाह के बाद या निकाह के आसपास, तो उसी को जहेज कहते हैं। मतलब ये तो लुगवी एतबार से जी, लेकिन जिस पस मंजर में इसको इस्तेमाल किया गया है वो इंतहाई ये कहें धोखा देने वाला है जी। इसलिए कि वहाँ जो जहेज का माना है, जहाँ से ये लफ्ज लिया गया है जी, वहाँ इस माने में नहीं इस्तेमाल होता है। वहाँ जहाज का मतलब और तजहीज का मतलब ये होता है कि कोई सामान तैयार करना, दुल्हन को जो मेकअप वगैरह करके, नहीं दुल्हन के साथ भी खास नहीं है, दुल्हन को भी तैयार करना तो, और सफर का सामान तैयार करना तो जी, और किसी और तरीके की तैयारी है तो उस सब पर इसका इतलाक होता है जी। लेकिन जहां से लिया गया है और जो उसका हकीकी माना है उस माने से फेर करके हमने अपने मतलब का माना उसको पहना दिया और उसको खास कर दिया उस साजो सामान से जी, जो दुल्हन को शादी के मौके पर उसके मायके वाले देते हैं, गोया कि इसमें एक धोखा देने वाली बात यह है जी, कि आदमी ये समझेगा कि अच्छा तो अरबी जबान से लिया गया है, कुरान में भी इसका तस्किरा है, हदीसों में भी इसका तस्किरा है, तो वहाँ किसी और माना हाँ, है और हमने किसी तो और चीज़ को आदमी सोचेगा इसका मतलब ये कि ये तो कुरान और हदीस से साबित है। जैसे लफ्ज हलाला को कह देते हैं कि ये तो कुरान में है, तीन तलाक को कहते हैं कि ये तो कुरान में, ठीक है तीन तलाक कुरान में है लेकिन उसको वो उसका मफहूम क्या है, क्या वही मफहूम है जो आप ले रहे हैं? वो तो ऐसा ही कोई बोले कि जन्नत में शराब पिलाई जाएगी तो यहाँ शराब हलाल, तो जहेज का मतलब
जो खास हो गया है हमारे समाज के अंदर कि औरतों को जो तोहफे तहाइफ जो चाहे और भी किसी शक्ल में दिया जाए तो उसी को जहेज कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी होगी लुगवी और इस्तिलाही दोनों मानों को बयान करते वक्त कि ये इसमें एक तरह का धोखा है और सामने वाला गलत फहमी में पड़ सकता है कि वाकई जहेज तो तब तो पूरा अरबी जबान से आया है, कुरान में इसका तस्करा है, हदीस में इसका तस्करा है, सब में तस्करा है, तो अरबी तो अरब ममालिक में वो जहेज क्यों नहीं है जब जहाँ से वो आया है तब जहाँ से। नहीं, इसी धोखे का पर्दाफाश करने के लिए तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी, शेख अब्दुल शुकुर साहब, इस्लाम में क्या तस्वुर है जहेज का, मतलब कोई इसकी असल पाई जाती है कि उसके मैं चंद बातें कहूंगा। पहली बात तो ये कि बाज इलाकों में जहेज को हंडा या हुंडा भी कहते हैं और शायद उसकी वजह लोगों ने बयान ये की है कि वो पहले जमाने में उसमें हंडा कहते हैं, एक बर्तन बड़ा सा जो होता है, बाज दफा अभी भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, हंडा तो इस्तेमाल होता है, तो वही चीज है, हांडी भी बोलते हैं ना, हांडी, तो उसी में कुछ जेवरात वगैरह कपड़े वगैरह बहुत सारी चीजें डाल के वो जो है लड़की के साथ दी जाती थी, तो बाज इलाकों में इनको हुंडा या हंडा भी कहा जाता है। इसी तरह एक बात यह है कि बहरहाल ये है कि जो मौजूदा रस्म है वो तो उसका सबूत तो नहीं है, लेकिन फुकहा की किताबों में ये लफ्ज जहाज या जहाज इस माने में कहीं ना कहीं मुस्तमल है कि वो सामान जो लड़की शादी के मौके पर अपने साथ ले जाती है, तो वो कहीं इशारा मतलब जो है फुकहा की किताबों में है। और इसी तरह सिर्फ मैं अभी फिलहाल लफ्ज की बात कर रहा हूँ कि लफ्ज वो मौजूद है, मतलब इसी तरह जो मशहूर हदीस है सुनन नबी दाऊद की, मुस्नद अहमद की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, तो उसमें लफ्ज आता है कि वह जहज़हुमा, कि उनको कुछ साजो सामान दिया दोनों को, हाँ, तो वहां लफ्ज मतलब जहाज या जहाजा इस्तेमाल हुआ है और ये हदीस ये सही है, तो ये लफ्जी एतबार से। बाकी ये कि इस्लाम में जहेज का कोई तस्वुर जो मौजूदा रस्म के साथ है, जहेज का कोई तस्वुर इस्लाम कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत देते थे फिर ज्यादा कर दिया लोगों ने, थोड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक अब उस पर बात होगी कि जो हदीस मैंने जिक्र की है कि उसकी तौजीह क्या है और वो क्या मकसद उस हदीस का है, इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात ना कि बाद लोगों को लगता है थोड़ा बहुत ले लो तो चल जाएगा, ज्यादा नहीं मांग सकते, तो क्या ऐसा है इस्लाम के अंदर कि थोड़ा बहुत तो चलता है? दो पहलू हैं असल में, उसी इतबार से बात भी होनी चाहिए, एक है कि मांगने का पहलू और एक है देने का पहलू, और दोनों के इतबार से अगर आप शरी एतबार से बात करेंगे हुक्म के लिहाज से, तो दोनों के मांगने का हुक्म अलग हो जाएगा उसकी ताबीर। एक हुक्म वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा रिवाज इस्लाम में रहा है कि नहीं, अब चूंकि लफ्ज आपने मांगने का इस्तेमाल किया इसलिए मैंने थोड़ा सा कि वो मांगने का तो तस्वुर था ही नहीं कभी भी, कभी नहीं रहा कोई किसी भी एतबार से मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह तबारक ताला ने कहीं भी लड़की पर कोई जिम्मेदारी माली रखी ही नहीं है किसी भी एतबार से। जो मशहूर आयते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अर्रिजाल कवामून अला निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअअहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, तो इन्फाक की जो भी सूरतें हो सकती हैं शादी में, कि उस आयत का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को निगरान बनाया है, हाँ, और इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उनमें कुछ फजीलतें रखी, कुछ खास खूबियां हैं मर्दों में जो औरतों में नहीं है, और इस वजह से कि वो अपने माल को खर्च करते हैं, कवाम इसीलिए, तो कवाम इसीलिए है मर्द की कवामियत की, शादी से लेकर आखिर तक पूरा खर्चा मर्द को बर्दाश्त करना है। अच्छा, इसमें अगर ये बात छिड़ी है तो उसमें एक चीज और देखें कि जहां जहां अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों का जिक्र किया कि मर्द शादी करेंगे, तो वहां जिक्र किया कि माल जो खर्चा करेंगे वो मर्द ही करेंगे, जैसे एक मशहूर आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहिल्ल लकुम मा वरा औदालकुम अन तबतगू बि अमवालिकुम, कि तुम्हारे लिए हलाल है शादी करना, यानी पहले हराम कारियों का जिक्र हुआ और उसके बाद कुछ औरतों का जिक्र किया गया जिनसे शादी नहीं हो सकती, उसके बाद ये कहा कि तुम्हारे लिए और औरतों से शादी करना जायज है, कि उसमें क्या करना होगा कि अन तबतहु बी अमवालिकुम, अपने माल के जरिए तुमको वो चीज हासिल करनी, इसी तरह को खर्चा करना है, और माल को एक शादी के लिए जो भी माल होगा वो मर्द खर्चा करेगा। इसी तरह एक दूसरी आयत में कहा गया कि जो लोग निकाह की ताकत नहीं रखते हैं वलयस्तअफिफिल्लदीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाह, के जिनके पास निकाह करने की ताकत माली ताकत नहीं है
وہ پاکدامنی اختیار کریں یعنی صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے. یہ نہیں بولا کہ جہیز مانگ لو, یہ نہیں کہا کہ جہیز لڑکیوں سے لڑکی والے سے مانگ کے اپنی شادی کر لو, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ اگر شادی کی طاقت مالی طاقت نہیں ہے تو صبر کرو, کمانے کی کوشش کرو, اور جب اللہ تعالیٰ تم کو نواز دے تب تم اپنے پیسے سے پورا خرچہ اٹھا کر اپنی شادی کا تم شادی. یعنی اٹھا نہیں سکتا خرچہ تو بھی مانگنا نہیں ہے, مانگنا نہیں صبر کرنا, صبر کرنا, یہ نہیں کہا کہ مانگو, کہا کہ صبر کرو. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ پورا جو تصور اسلام کا ہے کہ شادی میں جو کچھ ابتدا سے آخر تک خرچہ آئے گا وہ مرد اٹھائے گا اور اس کے لیے کمانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ شادی کر سکے, اس میں کہیں تصور نہیں ہے کہ لڑکی والے سے کوئی چیز لی جائے گی. شیخ کفایت اللہ صاحب, تو اب جب شیخ بتا رہے ہیں تصور ہی نہیں سرے سے مانگنے کا, تو اگر جیسے ہمارے زمانے میں مانگا جاتا ہے بھائی, یعنی بڑی سے بڑی چیزوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیزیں مانگی جاتی ہیں, گاڑی سے لے کر کے اور نقد رقم سے لے کر کے گھر میں برتن اور چولہا اور مکسر اور فریج واشنگ مشین ہر چیز جو ہے وہ لڑکی والی سے ہی مانگی جاتی ہے, طلب کی جاتی ہے, کبھی زبان کھول کر کے مانگ لیا جاتا ہے, کبھی اشارتاً مانگا جاتا ہے, تو جو لوگ مانگ رہے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ مانگ کر کے جو ملتا ہے کیا ان کے لیے حلال ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ دیکھیے لڑکی کا شادی کرنا لڑکے کا شادی کرنا جائز ہے, ایک جائز عمل ہے. جی, اب اسلام نے جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ لڑکے پہ ذمہ داری رکھی ہے جی شادی, بلکہ شادی کے وقت مال کی ایک شکل ہے مہر, وہ لڑکا ہی ادا کرے گا, تو جی ایسے موقع پر اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو غلط ہے, اور یہاں معاملہ صرف مطالبے کا نہیں ہوتا ہے بلکہ باقاعدہ وہ چیز شرط کے طور پہ رکھی جاتی ہے, ظاہر سی بات کہ آپ یہ چیزیں نہیں دیں گے تو شادی نہیں ہو سکتی. ہاں, تقریباً یہی بات ہوتی. تو ایک کوئی بھی شخص اگر کوئی جائز کام کر رہا ہے, اب اس کام کی تکمیل کے لیے سامنے والا اگر شرط لگائے مال کی, یہ مال ہم کو چاہیے, تو اسلامی اصطلاح میں اس کو رشوت کہتے ہیں, رشوت, تو یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چیز رشوت کہلائے گی. جب طلب کرتا ہے کہ آپ جب تک یہ نہیں دیں گے میں شادی نہیں کروں گا, یہ معاملہ ہی نہیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے, کوئی بھی کام کروانے جائیں جو آپ کے لیے جائز, سامنے والے کے ہاتھ میں وہ کام کرنا, اس کو کر دینا چاہیے وہ کام, لیکن اگر وہ کہتا نہیں اتنا پیسہ دو گے تب ہم آپ کا کام کریں گے, جی, تو وہ چیز کہلائے گی رشوت. تو یہاں بھی شادی کرنا جائز ہے, جی, بلکہ الٹا آپ کو دینا چاہیے پیسہ, اور الٹا آپ شرط لگا رہے اس سے کہ ہم آپ سے شادی کریں گے تبھی جب آپ یہ سارا سامان دو گے, تو یہ چیز رشوت ہے. اور اس کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ حرام ہے, اس کا اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہے جس نے یہ حرکت کی ہے, مانگ کے شرط رکھ کے شادی کی ہے, جی, بعد میں اگر اس کو توبہ کرنا ہو تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ چیز لوٹائے, کیونکہ رشوت سے لیا گیا مال حلال نہیں ہوتا, جی جی, اس کو لوٹانا ضروری ہے. یہ توبہ کا طریقہ ہے, توبہ کا طریقہ نہیں کہ اللہ معاف کرے میں نے جہیز لیا تھا, نہیں, آپ یہ پیسہ لوٹائیے. یعنی ہمارا پروگرام دیکھ کر کے اگر کوئی تائب ہو جائے تو اس کو پورا سامان واپس, پورا سامان واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ اس نے جبرن مطالبہ کر کے لیا, جی جی, تو اس شکل میں یہ رشوت. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر شادی حرام, یعنی حرام جیسے دوسرے کا مال حرام ہوتا ہے, واضح کر دوں کہ میں ہر شادی میں دیے گئے مال کو رشوت نہیں کہتا ہوں, اس کی جائز شکلیں ہو سکتی, جغرافیائی اعتبار سے, علاقائی اعتبار سے گنجائش بھی ہو سکتی کہ آدمی دے, وہ ہدیے کی شکل بھی ہو سکتی ہے, جی جی, لیکن جو شکل آپ نے بتائی ہے مانگنا, طلب کرنا اور اس کو شرط کے طور پر رکھنا, یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ رشوت ہے, اور اس میں تائب ہونے کی شکل یہ کہ وہ چیز واپس کی. دیکھیے شیخ بات یہ ہے اس میں کہ یہ, جی جی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے حرام طریقے سے نہ کھاؤ. جی, اب اگر زبردستی کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز جہیز مانگتا ہے تو یہ عقل بالباطل, جی, یہ حرام طریقے باطل طریقے سے, باطل طریقے سے, حرام طریقے سے کسی کا جو ہے مال کھا رہا ہے. وہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا, اسی طرح یہ, ہاں جی جی جی, امام بیکر رحمہ اللہ نے روایت کی حدیث بھی ہے کہ لا یحل للمرئ من مال اخی الا بالطیب نفسه, شک کی فائتیں جو رضامندی نہیں, ترجمہ کر دیجئے نا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مال کھانا حلال نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر جب تک وہ راضی نہ ہو, یعنی دل سے. اب وہ دل سے تو راضی نہیں, دل سے راضی نہیں, ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ دو گے تو شادی ہوگی, پھر وہ حلال نہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی دو آدمی جب پورا معاشرہ ہی مطالبہ کر رہا ہے, لڑکی کو تو آدمی گھر پہ بٹھا کے نہیں رکھ سکتا, تو اس کو جو سستے سے سستا ملتا ہے اچھے سے اچھا اس کے حساب سے مطالبہ کر. آپ اسی طرح ایک بات اور کہنا چاہتا تھا مانگنے کے تعلق سے, یہ حدیث بھی ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی لوگوں سے تکثراً یعنی مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے, جی, تو گویا کہ وہ لوگوں سے, ایک حدیث میں کہ لوگوں سے وہ آگ کے انگارے, جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے. اب چاہے کم مانگے یا زیادہ مانگے,
तो ये जो जहेज मांगा जा रहा है ये भिखारियों के लिए हदीस है ना, सवाल करने वालों के लिए। बिल्कुल, सवाल करने वाले के लिए। तो हम लोग ये बोल सकते हैं भी भिखारी बिला शुबा जहेज मांगने वाला भिखारी है। हाँ। और वो भिखारी तकस्सुरन यानी हाँ। उसको जरूरत नहीं है। भिखारी तो ऐसा भी होता है जो जरूरतमंद हो हाँ, सकता वो है, तो मायूब नहीं उसके लिए जायज है। लेकिन ये जो भिखारी है, जहेज मांगने वाले जो भिखारी हैं, इनका मसला ऐसा है कि ये माल जमा करें तकस्सुरन, इनको जरूरत नहीं है, लेकिन अपने माल को और बढ़ाना चाहते हैं जहेज मांग के। इसी तरह एक मशहूर हदीस है, तो जो भिखारियों के बारे में हदीस आती है बगैर जरूरत मांगने वाली, तो हाँ, ये जहेज लेने वालों पे फिट होगी। बिल्कुल फिट होगी। हाँ। जो लोग जो है लोगों से मांगते रहते हैं, याती यौमल कियामत वलैसा फी वजहही मुज़ातुल लहमिन, ये कयामत के दिन ऐसी शक्ल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा नहीं होगा। हाँ, जहेज लेने वाले मांगने वाले जो है वो गौर से सुने शेख क्या बोल रहे हैं। तो ये बिलाशुबा, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कुछ किसी फकाहत की जरूरत है या इसमें किसी बहुत पेचीदा इस्तिंबात की जरूरत, बहुत वाज़ह है कि हदीस में कहा गया जो लोगों से बिला जरूरत माल समेटने के लिए जमा करने के लिए मांगता है तो कयामत में, एक हदीस में ये कहा गया कि कयामत में आएगा उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, एक हदीस में कहा गया कि वो लोगों से आग के जहन्नम के अंगारे मांग रहा है, अब चाहे उसकी मर्जी कम मांगे या ज्यादा मांगे। तो ये जो है जितने भी जहेज का मुतालबा करने वाले हैं, गस्ब के बारे में भी हदीस बता रहे थे आप। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जो अपने शेख ने हदीस पेश की तो उसका मफहूम यही है कि जो भी तीब नफ्स नहीं है, अगर कोई आदमी रजामंदी से अपना माल नहीं दे रहा तो ये माल मकसूब है, जबरदस्त लूट के कोई ले जाए, छीन डाकू, डाकू जैसे डाकू होता है, लोग भिखारी भी बोल सकते हैं, भिखारी भी है और डाकू भी है, अलग अलग वो छीन के लेता है। कोई मांग भिखारी की शक्ल में रहता है, रिश्वत मांगने वाला भी है और भिखारी भी है और डाकू भी है, तीन चीज अलग अलग रूप ये लोग अपनाते। और भी जी काबिले जिक्र है कि मांगने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जबान खोल करके ही मांगे, कभी कभी बगैर, यानी इसको कहते हैं कि जबाने काल से मांगे। मैं बस यही आपसे पूछने ही वाला था जी जी, कि एक सूरत तो ये होती है कि जबान से मांग लिया जी जी, और एक सूरत ये होती है कि अब क्योंकि माशरे में ये हो गया है कि देना ही पड़ेगा, जब 90% लोग मांग ही रहे, 95% मांग ही रहे, यानी अब हमारे माशरे में सूरत हाल ये कि कहीं किसी इलाके में, बल्कि हमारे जो कहता चौहद्दी किसी इलाके में अगर कोई एक आदमी ने अगर जहेज नहीं लिया तो पूरी चौहद्दी में मशहूर हो जाता है कि फलाने ने नहीं लिया। जैसे जमाने जाहिलियत में जिन लोगों ने शराब नहीं पी थी तो इस्लाम आने के बाद उनका नाम था कि यहाँ फला शराब नहीं पीते थे, इतना शराब आम थी। तो हमारे यहाँ कहीं ऐसा होता है 2-4-10 गाँव में कि एक आदमी ने नहीं लिया तो उसका नाम मशहूर हो जाता है कि फलाने ने नहीं लिया, यानी उसके अलावा सब लोग लेते ही रहते हैं। तो जब ये इतना अंडरस्टूड हो गया है ना, तो अब जबान से बाज मरतबा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमको ये सामान चाहिए। वो जिसको फोका कहते हैं अल मारूफ उर्फन कल मशरूती शर्तन, कि जो चीज उर्फ में आम है तो एक तरह की शर्त ही है। अगर जबान से आदमी ना भी बोले कि मुझे चाहिए तो लड़की वालों को पता है कि देना पड़ेगा। तो जो उस दबाव के तहत मालूम है कि सामने वाला देने वाला है और उसकी मजबूरी है, वो खुश दिली से नहीं दे रहा और ये रोक नहीं रहा, इसको पता है कि इसको तो देना ही है, बल्कि बाद मरतबा लड़की वाले खुद ही ऑफर करते हैं कि हम ये देंगे, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? वही हुक्म होगा, इसलिए कि जो तफसीलात आपने जिक्र की उससे बिल्कुल वाजे हो गया कि जरूरी नहीं कि वो जबान खोल करके मांगे ही। जी जी, बहुत सारे कराइन होते हैं जो दलालत करते हैं कि ये आदमी मांग रहा है। जी जी, मसलन उसने अब तक जितनी शादियां की हैं सब जहेज के साथ की। जी जी, तो अब क्या कोई मान सकता है कि ये इस शादी में जहेज नहीं लेगा? अगर उसको न लेना है तो उसको मुंह खोल करके कहना चाहिए कि भाई मैं जहेज नहीं लूंगा। लेकिन कितने लोग तो ऐसा करते हैं कि कहेंगे लड़की वाले से कि भाई हमको आपकी लड़की चाहिए, आपकी लड़की पसंद है, बस आप सुन्नत के मुताबिक निकाह करके अपनी बच्ची को भेज दीजिए, और फिर बाद में जब देखते हैं कि जहेज नहीं मिला है तो अपना काम शुरू करते हैं, लड़की को तंग करना और उसको ईजा पहुंचाना। जी जी, और कभी कभी मामला कत्ल तक पहुंच जाता है और मुकदमेबाजी भी होती है। जी जी, तो जबाने काल से मांगे चाहे जबाने हाल से मांगे। अच्छा, जबाने काल से मांगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, यानी अब ये सूरत हाल इस तरह की बन गई है ना कि लोग बोलते हैं कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, जो देंगे अपनी बेटी को देंगे। हाँ, ये भी एक मांगने का ही तरीका है। मतलब वो जो देंगे अपनी बेटी को देंगे, कि कागज में लपेट करके सारे मुतालबात अपने, वो एक दबाव प्रेशर उनको डालना है कि यानी आपको देना जरूरी है अपनी बेटी को, ताकि आपकी बेटी हमारे यहाँ सुकून से रहे। अच्छा, एक चीज ये भी होता है ना कि जब ये कहा जाता है हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं का मतलब अब ये हो गया है कि जो बहुत बड़ी चीजें होती हैं जैसे गाड़ी है या नकद रकमे हैं तो वो नहीं चाहिए। कुछ नहीं का ये मतलब नहीं होता कि ये जो मतलब 2-4 लाख रुपए के सामान जो दिए जाते हैं घरेलू सामान, वो भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं का मतलब कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ले ली जाती हैं कुछ नहीं के, उसमें ये तो एक भी एक दबाव होता है, सामाजिक दबाव ही होता है लोगों का। एक जो आदमी इसमें जो आदमी मुखलिस है वाकई,
तो उसको शादी से पहले बसराहत लड़की वालों से कह देना चाहिए कि देखिए हम सारा इंतजाम कर रहे हैं, हाँ। हम लड़के वाले हैं और सारी खर्च की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए आप कोई तकल्लुफ न कीजिएगा हमारी तरफ से, बिल्कुल ये तरीका है। जी जी, मैंने देखा है बात जो बहुत दीनदार लोग होते हैं वो बहुत सख्ती से मना करते हैं, एक एक लफ्ज बोलते हैं कि हमको ना बेड चाहिए, ना हमको गाड़ी चाहिए, ना पलंग चाहिए, ना एक एक चीज बोलते हैं कि हम एक जोड़ा कपड़ा भी आप अपनी बेटी का कपड़ा दे करके दे दीजिए। इस तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को जरा सामने आना चाहिए ताकि एक नजीर भी तो लोगों के सामने आए, अच्छे लोगों की नजीर आना भी, ताकि हौसला हो। जो लोग चाहते हैं इस रस्म बद को खत्म करना, तो वो देखते हैं कि सारा का सारा मुआशरा तो इसमें लतपत है, हम कैसे ये कदम उठाएं। तो जो यानी अब ऐसा हो गया है कि नहीं मांगने वालों को डरना पड़ता है मुआशरे। जी जी, जो मांग रहे हैं वो तो खुलेआम वो तो दिखाते हैं बाकायदा जहेज का सामान रख करके, हमने इतना मिला इतना लिया, और अफसोस की बात है कि उसमें फख्र भी करते हैं, यानी ये कैसा भीख मांगना है। उसको अपने घर पर जब रहता है सामान तो दिखलाते हैं, फिर जब वो लेकर के औरत जाती है ससुराल में तो वहाँ उसकी नुमाइश लगाई जाती है। जी जी, ये सब क्या है। बल्कि ये समझ में आता है शेख कि एक जो खुल करके मांग लेने वाले होते हैं बाज मरतबा, वो उतना ज्यादा परेशान सूरत हाल पैदा नहीं करते कि भाई मांग लिया खुल करके, लड़के को लड़की वालों को देना था, दिया नहीं, देना नहीं दिया, उसने तो गुनाह किया ही। पर ये जो दबे लफ्जों में मांगते हैं ना, ये बहुत ज्यादा है, नहीं उनका समझ में नहीं आता कि उनको क्या चाहिए। यानी एक जैसे हमारे एक तरीका ये भी हो गया आजकल ना, कि कोई अगर रिश्ता देखने के लिए आएगा तो उसको ये नहीं बोलेंगे हमको इतना चाहिए, बोलेंगे वो फलां जगह से 5 लाख मिल रहा था लेकिन हमने इनकार कर दिया। जी, ये जो तरीका होता है ना कि 5 लाख मिल गया इनकार कर दिया, मांगा नहीं इन्होंने खुल करके कि हाँ हमको कितना चाहिए। कभी ये कहा जाता है कि हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, बस घर वाले कह रहे थे कुछ, घर वाले। कभी ये कहा जाता है कि हाँ इसके दोस्तों ने शादियां की हैं, इनके दोस्तों को इतना इतना मिला है, इतना इतना मिला। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सब मांगने के जो है महज़ब तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। या अगर आप नहीं, हम नहीं लेंगे, आप नहीं देंगे तो फिर समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हमको सबसे खराब सूरत हाल शेख किफायत साहब ये होती है ना कि अब आजकल हमारे इलाकों में खासतौर पर देहातों में ये गोंडा बस्ती बलरामपुर की तरफ, जैसे शेख ने कहा कि असल में वही है कि अगर हो सकता है कि बास सामान लड़की का लाना जायज हो उसकी, हाँ, अपनी जरूरत की, हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसकी अपनी जरूरत, अपनी जरूरत की, लेकिन वहां भी कहीं जैसे शेख ने कहा कि सद्दे जरिया के तौर पर, ताकि ये रस्म जड़ से खत्म हो जाए और ये इसका नामो निशान मिट जाए, इसलिए भी नहीं लेना चाहिए उस मौके। उस पर तो हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे तफसील से। नहीं, मैं ये बोल रहा था ना कि सबसे खतरनाक तरीका जो है वो ये हो गया है, अब खासतौर पर हमारे ये गोंडा बस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर वगैरह के इलाके में मैं देख रहा हूँ कि लड़के इतना लायक होते नहीं है कि आप 5-10 लाख का मुतालबा कर लें, आप गाड़ी घोड़े का मुतालबा करें। तो जब रिश्ता तय होता है तब कुछ नहीं बोलते कि हमको सादगी से शादी करना है। सादगी का मतलब वही कि आम चीजें ही चाहिए और कोई खास चीज नहीं चाहिए, कोई खास रकम या गाड़ी नहीं चाहिए। तो रिश्ता तय हो गया, अब रिश्ता तय होने के बाद ये बोलते हैं कि ये बस जो बारातियों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए था, खिलाना पिलाना अच्छे से। अब 200-400 बाराती आ गए और बाप के पास जो रकम थी उसने पूरा खर्चा कर दी, जो छोटे मोटे जहेज के सामान होते हैं वो भी 1-2-4-5 लाख में चले जाते हैं। फिर जब शादी में 1-2 दिन बाकी रहेगा, अब तो मजबूर हो गया ना, शादी तय हो चुकी है और सामान सारा आ चुका, टेंट बन चुका और कार्ड बट चुके हैं, 2 दिन पहले फोन आएगा कि अरे बाबू ना ही माना था, कहा था कि भाई किया तो देख पड़ी। ये तरीका होता है कि बाबू मान नहीं रहे, बोल रहे बाइक तो देनी पड़ेगी, 2 लाख रुपया तो देना पड़ेगा। यहां तक के मामला आया है कि बाप ने बोला कि मेरा पैसा खर्चा हो चुका पूरा, मेरे पास अब देने के लिए नहीं रह गया, तो बोलते हैं अच्छा आप हमसे कर्जा ले लो, बाद में लौटा देना, कर्जा लेकर के दे दो बाइक, बाद में लौटा देना। उससे ज्यादा खतरनाक ये है कि बारात आ गई, हाँ, अब सब आ गए हैं, अब ये है कि निकाह होना है, हाँ, उस मौके में मुतालबा किया जाता है, मुतालबा कर। बल्कि कहीं कहीं इसी वजह से शादियां टूट भी गई, टूट गई। वो मालेगांव का बहुत मशहूर वाकया हुआ था उस पर कि उन्होंने बाप ने बाकायदा ऐलान लगाया मालेगांव में कि मेरी बेटी की शादी, अब बाप मजबूर हो जाता है ना कि बदनामी हो जाएगी, तो मजबूरन बेचारा किसी तरह से देता है, तो बाप ने बाकायदा ऐलान लगाया कि लड़की वालों का इतना इतना मुतालबा था आइन निकाह से पहले, मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं मेहमानों से माजरत चाहता हूँ कि वो वापस लौट जाएं। ये मुस्लिम इलाकों में ये सूरत हाल है, मुस्लिम माशरों में ये सूरत हाल है। तो ये मसला जो है बहुत माशरे का संगीन है और हर कोई जहेज की जो रस्म है वो ऐसी रस्म हो गई है कि हर कोई मलामत कर रहा है, फिर हर कोई ले भी रहा है। समझ में नहीं आता व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया सब जहेज की बुराइयों के खिलाफ भरा हुआ है, तो ले कौन रहा है जहेज। सही बात, सिर्फ मसला नहीं बल्कि ये कहा जाए जहेज, इंशाल्लाह आगे बात होगी उन तमाम चीजों पर, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ या सरचश्मा है, उससे बहुत सारी खराबियां जो है वो
जन्म लेती है। समझ ऐसा भी होता है ना कि अपने जब अपनी बेटी का मामला आता है तो इंसान को जैज की बुराइयां याद आने लगती है, उस वक्त वो सोशल मीडिया पे खूब शेयर कर रहा होता है जैज के खिलाफ बातें, फिर अपने बेटे का मामला जब आता है तो भूल जाता है। इसके बरक्स भी एक बात होती है जो कभी कभी मेरे जहन में आती है, इसलिए मैंने कहा कि जिक्र कर दूं कि कभी तकरीर करो जहेज के खिलाफ, ये भी रहता है कहीं अंदेशा या डर कि लोग कहेंगे चूंकि इनके यहाँ बेटी है इसलिए तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, ये भी एक उपाय। बहरहाल दुआत का तो काम है कि अपनी जिम्मेदारियां वो अदा करते। मोहतरम नाजरीन, जहेज हमारे मुआशरे की एक लानत है। इस लानत की वजह से लड़कियां इंतजार में बैठी हैं कि उनके हाथ पीले हों और उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, जहेज ने हमारे कौम की कितनी लड़कियों को मौत के घाट चढ़ा दिया है। फिर भी जहेज के हवाले से जितनी हसासियत हमारे दिलों में होनी चाहिए, जितनी कराहत और नफरत हमारे दिलों में होनी चाहिए, वो पैदा नहीं हो रही। हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जहेज के खिलाफ जो कराहत और जो नफरत हमारे दिलों में पैदा होनी चाहिए वो पैदा हो। हम ये समझें कि जहेज मांगने वाले डाकू हैं, जहेज मांगने वाले चोर हैं, जहेज मांगने वाले रिश्वत मांगने वाले हैं। जहेज का मसला बहुत हसास है। इंशाल्लाह अगले कुछ एपिसोड्स में हम इसी मौजू के साथ लगे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये मौजू क्योंकि बहुत अहम है, लिहाजा आप खुद भी अगर इस वीडियो से इस्तेफादा कर रहे हैं तो हमारे इस पैगाम को आम करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियो पहुँचाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अलग अलग जगहों पर। अल्लाह ताला हम सबको खैर और भलाई के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें। आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।